दीपावली का पावन पर्व है और इस दशाश्वमेध घाट के पुण्य पवित्र प्रांगण में हजारों की संख्या में माताएं बहनें युवा बुजुर्ग बच्चे गंगा के तट पर स्नान कर रहे हैं और हम अपने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि मां गंगा के आंचल को कचरे से बचाइएगा। हम आप सभी हैं कि जो गंगा हमारे भारत की तीर्थाटन सिंचाई पेयजल और अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है उस गंगा में कोई ऐसी सामग्री का विसर्जन मत करिएगा जिससे कि हमारी माँ गंगा का ये जो तट है वो साफ सुथरा न दिखाई दे। हमें अपनी गंगा के तट को साफ सुथरा बनाना है, उसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए और इस सहयोग के साथ ही जब हम यहां अपने सहयोगी देशों के झंडों के साथ इस पुण्य पवित्र घाट पर उपस्थित हुए हैं तो अपने प्रवासी भारतीयों की मंगल कामना भी कर रहे हैं। वो प्रवासी भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हाँ इंग्लैंड में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, जापान में रहते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उन देशों के जो लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी मंगल कामना हेतु आज हम सभी नमामि गंगे की तरफ से उनको मंगल कामना करते हैं और आज इस गंगा तट पर उनसे यह आवाहन करते हैं कि उनके देशों की तकनीक जो हमारे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया में उनकी जो तकनीक काम आएगी उस तकनीक को हमको स्वीकारना है और उनके सहयोग से स्वीकारना है। आगामी 21, 22 और 23 जनवरी को हमारी काशी नगरी में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन हो रहा है। हमारी काशी नगरी में 195 देशों से, विभिन्न देशों से कई प्रकार के हमारे अतिथिगण आएंगे। उन अतिथियों का स्वागत करना, उनको कोई परेशानी ना हो, उसकी देखभाल करना, ये भी हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। और आदरणीय हमारी काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको ये आवाहन भी किया है कि हम सभी प्रवासी भारतीय दिवस को इतनी तन्मयता से स्वीकारें, इतनी तन्मयता से लें ताकि हमारा जो काशी है वो इनको इतना अच्छा लगे कि वो प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में हमारी काशी नगरी में आए ताकि हमारे देश और हमारी काशी, हमारी काशी का जो व्यापार है वो भी निरंतर बढ़ता रहे। और इसी निमित्त हम सभी यहाँ विभिन्न अपने सहयोगी देशों के झंडे के साथ आप सभी के बीच यहाँ उपस्थित है। सबसे प्रवासी भारतीयों की मंगल कामना की हम अपेक्षा कर रहे हैं और आप सभी से हम यह आग्रह कर रहे हैं कि गंगा मैया में कोई ऐसी सामग्री का विसर्जन न करें जिससे कि हमारी गंगा के जो घाट हैं वो